सब्सक्राइब कीजिए एज इन्फॉर्मर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो देख पाए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एज इन्फॉर्मर। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप तत्काल टिकट जो है 100% कन्फर्म टिकट कैसे आप 5 सेकंड के अंदर में कट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 100% कन्फर्म है क्योंकि इसमें जो मेथड यूज कर रहा हूँ एकदम लीगल मेथड है, कोई सिंपल छोटा सा जो ट्रिक है उस टाइप का नहीं यूज कर रहा हूँ जो आपको बाद में कन्फ्यूजन होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके। देखिए आपको करना क्या क्या होगा, सो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करने जा रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा नो डाउट, लेकिन फिर भी आपके लिए जरूरी है, आपके ट्रेवल के लिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों ऐसा है ना कि अगर आपको अगर सीट नहीं मिलता है तो ऐसे कंडीशन में लॉन्ग टूर पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ, जो मेथड बताने वाला हूँ, उस मेथड में आपको यूज करना होगा एक क्रोम एक्सटेंशन। इसके लिए आपको जो है क्रोम वेब ब्राउजर यूज करना एकदम जरूरी है। ठीक है, देखिए कैसे करना है आपको। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, मैं क्रोम ब्राउजर का जो ये क्रोम का एक्सटेंशन है उसका लिंक दे दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक दूंगा। ये लिंक पोस्ट करना है आपको पेस्ट, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी और पहले यहाँ पे देख लीजिए, बाद में सारा कुछ कीजिएगा। और यहाँ पे जो है ऑलरेडी मैं एडिट कर चुका हूँ, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। जैसे ही ऐड कीजिएगा, ऐड होने के बाद एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो है ये इस टाइप का दिखेगा, यहाँ पे कोना में देख लीजिए, यहाँ पे राइट साइड आ जाएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए तत्काल फॉर श्योर, मतलब 100% इस टाइप का एक्सटेंशन है जो बाय हट के एक्सटेंशन, बाय हट के कंपनी है, इसके द्वारा जो एक्सटेंशन बनाया गया है। और यहाँ पे जनरेट टिकट पे क्लिक करना है, जनरेट टिकट पे क्लिक कीजिएगा तो पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप होगा। पहले यहाँ देखिए पूरा का पूरा फॉर्म देखिए यहाँ पे आ गया, एक्सटेंशन है ये, ऑफलाइन ये नेट को एक्सेस अभी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही, ये सिंपली जो है इसका इस एक्सटेंशन का पेज है IRCTC फॉर्म के लिए। यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको नेट ट्रिप क्रिएट करना है। सबसे पहली बात यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यू विल सेव योर डिटेल एंड ऑटो फिल देम इन IRCTC साइट 10 से लेकर 11 AM के बीच में। ठीक है, तो उस समय में आपका जो है क्रोम ओपन होना चाहिए, क्रोम ब्राउजर ऑन होना चाहिए 10 से लेकर 11 बीच। आप जानते हैं कि अगर AC वाला रहेगा तो 10 बजे और नॉन AC रहेगा तो 11 बजे वाला, ऐसा तो है। तो क्रिएट न्यू ट्रिप पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू ट्रिप पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो IRCTC यूजर नेम और पासवर्ड डिमांड करेगा। यहाँ पे आप इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त सही यूजर नेम पासवर्ड डालिएगा ताकि आगे जो है वहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल कर ले, सिर्फ कैप्चा वहाँ पे इंटर करने की जरूरत पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो है यूजर नेम, मैं अपना यूजर नेम फिल किया और इसके बाद मैं पासवर्ड फिल करूँगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट हो गया ट्रिप डिटेल्स के बारे में, कहाँ से कहाँ तक जाना है। मान लीजिए हमको जाना है, एक गाड़ी है पवन एक्सप्रेस, जहाँ से शुरुआत होती है और लास्ट जहाँ तक होती है वहाँ तक के लिए। ठीक है, दरभंगा से लेकर के LTT तक मैं दे दिया और डेट मैं दे दिया कल का, कल हो गया सैटरडे है, चलिए सैटरडे या कल, क्यों आज तो हो नहीं सकता, आप तो अभी मान लीजिए टाइम ज़्यादा हो रहा है तो कल के लिए। ट्रेन नंबर मान लीजिए क्या है 61 इस टाइप का जो है, स्लीपर या AC 2 AC 3 टायर 2 टायर जो भी है आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास यहाँ पर सॉरी कोटा जो है तत्काल ही होगा क्योंकि तत्काल बुकिंग के लिए ये एक्सटेंशन है। और यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन मान लीजिए कहीं 20 से उठना है, अगर लास्ट से उठना है तो लास्ट, नहीं इससे आगे जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, या आगे जहाँ से भी है इस मुंबई LTTC से पहले से लेकर जहाँ तक भी इस ट्रेन के बीच में है, जहाँ पर बोर्डिंग स्टेशन आपको देना है ऑप्शनल है, दे दीजिएगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, पूरा नाम भरना होगा, जैसे मैं अपना नाम भर लिया अजय कुमार, एज हो गया 25, जेंडर मेल, प्रेफर बर्थ मैं कर दिया लोअर, बस जितना है इसमें आप भर लीजिएगा, 4 पैसेंजर का है तो 4 पैसेंजर का भर लीजिए, अगर कोई चिल्ड्रेन है उसके बारे में जैसे जनरली फॉर्म रहता है वैसे भर लेना है। मोबाइल नंबर आप अपना मोबाइल नंबर जो है उसमें इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी है मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शनल है
अगर यहाँ पे बुक ओनली इफ कंफर्म सीट आर अलॉटेड, तो यहाँ पे बुक तभी कीजिएगा जब कंफर्म सीट रहे, तो अदरवाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्पेशल कंडीशन यहाँ पे कुछ रखना है तो रखिएगा, नहीं तो नहीं, नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट जैसे कीजिएगा तो आपका जो है अकाउंट का सिस्टम होगा, नेट बैंकिंग से कीजिएगा तो नेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, और डेबिट कार्ड से कीजिएगा तो डेबिट कार्ड से। यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको जो एक डाउट लगेगा कि दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि लोग आप पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट फर्जीवाड़ा में जो होता है इसके बारे में, तो ये 100% श्योर रखिए कि ये एक्सटेंशन आपकी डिटेल को स्टोर नहीं करता है। यहाँ पे देख लीजिए, वी डोंट स्टोर योर बैंकिंग डिटेल्स, इट्स इनक्रिप्टेड एंड स्टोर इन योर सिस्टम इटसेल्फ। मतलब ये अपने सर्वर पे कुछ भी नहीं करता है एक्सटेंशन जो है, ये एक्सटेंशन आपके मतलब सिस्टम में रहता है, आपके सिस्टम में वर्क करता है, क्योंकि आप अपने क्रोम ब्राउजर में इंस्टॉल किए रहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते रहते हैं कि मैं हमेशा सिक्योरिटी से रिलेटेड बनाते रहता हूँ, मुझे थोड़ा भी अगर लगेगा डाउट कि नहीं ये एक्सटेंशन जो है ये सिक्योरिटी के मामले में रिस्की है, तो मैं तुरंत बता दूंगा, लेकिन अभी तक मुझे फिलहाल नहीं पता चली है। क्योंकि सिंपली सी बात है कि ये एक्सटेंशन जो है ऑनलाइन नहीं स्टोर करता है, ये जो है एक्सटेंशन आपके क्रोम ब्राउजर मतलब आपके लोकल सिस्टम में सेव्ड है, स्टोर्ड है। तो ये जो यहाँ पे डेटा जो है, ये जो भी डेटा फिल कीजिएगा, वो डेटा जो स्टोर रहेगा आपके ही लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें भी है, आपके ही सिस्टम में स्टोर रहेगा, न कि किसी दूसरे के सर्वर पे स्टोर रहेगा। आपको ये प्रूफ देने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए, कहीं पे भी रहता है जो वेब पेज, ये वेब पेज ही है क्योंकि वेब ब्राउजर में खुल रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये बताने से पहले थोड़ा सिक्योरिटी के बारे में बता देता हूँ, आप लोग घबराइएगा नहीं, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा तो हो सकता है कि दूसरा कोई हैकर हो, वो आप एक्सटेंशन बना करके आपको मिसगाइड करके आपका डिटेल चुरा सकता है। यहाँ पर देखिए, क्रोम एक्सटेंशन स्लैश जो एड्रेस है, वेब एड्रेस, ये आपके क्रोम ब्राउजर का एड्रेस है, अगर कहीं सर्वर का रहता तो यहाँ पर सर्वर का एड्रेस रहता। ठीक है, और वैसे भी दोस्तों बिना ओटीपी का तो पेमेंट होगा नहीं, इसलिए आप टेंशन फ्री रहिएगा। यहाँ पर डेबिट कार्ड में फिलअप कर लीजिए, जो भी बैंक हो, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुछ भी, मैं एक फेक कार्ड मैं जनरेट यहाँ पे करके यहाँ पे मैं बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे हो गया, एक कार्ड नंबर फेक बना दिया, मंथ में कर दिया, यहाँ पे कुछ भी है तो कुछ भी यहाँ पे कर दिया, सीवीवी रहेगा तो रखिएगा, नहीं रहेगा तो पिन अगर देना होगा, मर्जी आपकी, पिन डालिएगा नहीं डालिएगा, नाम आपके कार्ड पे जो नाम रहेगा वो अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा और यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा, ये एक्सटेंशन में आपको दोस्तों इस टाइप की आएगी। देखिए यहाँ पे आप जो आप अपने ट्रिप को सेव कर चुके हैं, ट्रिप को सेव कर दिए, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे जनरली इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे ओपन रहेगा क्रोम। आपको क्या करना होगा, 10 बजे से पहले अगर करना होगा, 10 बजे से पहले ये सारा चीज़ फिलअप कर लीजिएगा, और यहाँ पे देखिए सारा डिटेल्स यहाँ पे हो रहा है कि कहाँ है, दरभंगा से लेकर लोकमान्य तिलक है, गाड़ी का नंबर है, कितने लोग का है, इसका कौन सा क्लास है, इसके बाद इसमें अगर चेंजिंग करना है तो यहाँ पे एडिटिंग है, एडिट कर सकते हैं, रिमूव करना होगा तो उड़ा सकते हैं, एक्टिव है कि नहीं है, टिकट आईडी अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टिकट आईडी में T2 है, यहाँ पे बुक करना है, ऐसे ही दूसरा रहेगा, दूसरा आईडी अपना जनरेट होगा। जैसे ही बुक पे क्लिक कीजिएगा, देखिए दोस्तों ऑटोमेटिकली IRCTC का अपना सारा, देखिए ऊपर में सारा कुछ खुल रहा है, यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड हो गया। सिंपली क्या करना है, ये आपको फिलअप करना है, ये कैप्चा जो है फिलअप करना है, और बस बात खत्म, यहाँ पे लॉग इन करना है। जैसे लॉग इन कीजिएगा, चूँकि वहाँ पे जो मैं डेबिट कार्ड फॉल्स में डाला था तो यहाँ से पेमेंट करने की बात ही नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली जो है आगे का प्रोसेस, टाइम तो है नहीं, टाइम के अनुसार ही करता है, 10 से लेकर के यहाँ पे टाइम दिया है, 10 से लेकर 11 के बीच में, तो ऑटोमेटिकली ये जो है सारा कुछ जो है फिलअप कर लेगा। तो इस चीज़ के लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको बुक करना है। अगर आपको कोई भी सवाल है, सुझाव है, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और जानना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, इस तत्काल टिकट के बारे में, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर नहीं होगा तो दूसरा मैं वीडियो बना करके फिर से समझाऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको नॉलेज मिल सके, और अभी तक चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।